तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस से क्या करना है। और गाइस, इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इजीली मिल जाएगा, तो आप नीचे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं जो इकान मास्टर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर जो है इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर वाला जो रेशियो उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फिल जरूर करना, ठीक है। फिल करने के बाद जो फोटो ड्यूरेशन रहेगा गाइस, आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर 3 सेकंड रख लेना, ठीक है। रखने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से जाना है मीडिया पे, ठीक है। मीडिया पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है, आपको क्या करना है, यहाँ से जो है लिरिक्स ऐड करना है स्टार्टिंग में। तो यहाँ से मैं लिरिक्स को यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से जो है लिरिक्स को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से जाना है एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक कर देना है। इसी में गाइस आपको ऑडियो मिल जाएगा, आपको कहीं और जो है ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसी लिरिक्स के अंदर ही जो आपको ऑडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना गाइस 6.4 सेकंड पे, उसके बाद आपको फोटो पे लिरिक्स पे क्लिक करना है, कैंची पे क्लिक करना है, और उसको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है स्प्लिट एट प्लेट पे क्लिक करना है, उसको ट्रिम कर लेना, ठीक है। ट्रिम करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पे जाना है, और इसको डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, मीडिया पे जाना, और यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको कुछ 5 इमेजेस ऐड कर लेने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप ऐड मत करना। तो गाइस, अब आपको क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट इमेज रहेगा इसको जो हल्का सा इसका ड्यूरेशन आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से रख लेना। रखने के बाद आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, ग्राफिक पे जाना है, और यहाँ से जो गाइस आपका फर्स्ट इमेज रहेगा इसी में ही आपको खाली जो है कॉल मीडिया से 2 नंबर वाला ऐड कर लेना, ठीक है। कॉल मीडिया से 2 नंबर वाला ऐड कर दिए, उसके बाद बाकी जो आपका यहाँ पर इमेज रहेगा इसमें क्या करना है कि आपको ग्राफिक पे जाएंगे और यहाँ से जो गाइस ग्राफिक ऐड करेंगे उसका नाम है अर्थसी मोशन करके, ठीक है। अर्थसी मोशन आपको जो है कैनमास्टर के अंदर इजीली मिल जाएगा। तो आपको करना है क्या, ऐसे फर्स्ट वाला ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको अगले इमेज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से ग्राफिक पे जाएंगे, फिर अर्थसी मोशन से आपको सेकंड नंबर वाला ऐड कर देंगे, उसी तरह से फिर थर्ड नंबर वाला ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर वाला ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आपको जो लास्ट इमेज रहेगा फोर्थ, इसमें आपको फिर फोर्थ नंबर वाला ऐड कर देना, ठीक है। तो गाइस, इस वाले ग्राफिक को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जाना स्टोर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गाइस दिख रहा होगा प्रोमोशनल करके, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा नीचे जाना है, और गाइस आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हो अर्थसी मोशन यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इजीली आके इसको इंस्टॉल कर लेना। करने के बाद जो आप इसको इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तो इस तरह से आपको कर लेना। उसके बाद जो आपका आखिरी में थोड़ा देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, तो इसको ट्रिम करेंगे। करने के बाद आपको थोड़ा आगे आना वापस यहीं पर ही, और आपको इस पर ये जो आपका जो है इस पर क्लिक करना है, इसके आपको लिरिक्स पे, और यहाँ से जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और इसको जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। करने के बाद आपको कुछ इससे दिखेगा, उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, और यहाँ से क्या करना है गाइस कि आपको जो है पेपर वाला जो पेपर कट वाला जो है वो PNG यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करना है, उसको हल्का सा टर्न करना, ठीक है। कुछ इस तरह से टर्न करना है, और उसको यहाँ पर ला के इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेंगे इसको, पेपर जो है आपका थोड़ा PNG, इसको इस तरह से करना है, और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ला के इसको रख देना, ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और इसको सिंपली यहाँ से स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो ड्यूरेशन आपको बढ़ा लेना, जहाँ तक आपका पूरा वीडियो रहेगा, ठीक है, वहाँ तक इसको रख लेना अच्छे से। रखने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि आपको जो लिरिक्स रहेगा इस पर क्लिक करना है, और 3 डॉट पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट पर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा हल्का सा ड्यूरेशन बढ़ा लेना, और उसको थोड़ा हल्का सा टर्न कर लेना, ठीक है। आपको इस यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट करना, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसको रख लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो है इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से स्टार्टिंग में आना है, और लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से क्या करना है कि आपको एक टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेना है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि मैंने इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, उसके बाद आपको नीचे जाना ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर, और इसको सिंपली यहाँ से स्क्रीन करना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, और इसमें कोई ऑडियो होता है तो आपको म्यूट कर लेना, फिर इस पर क्लिक करना, 3 डॉट पर क्लिक करना, और उसको सेंड टू बैक पे कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से जो आपको पूरा वीडियो जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइस जिस तरह से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो किस तरह का एडिट हो।
तो गाइस देख सकते हो कि हमारा एडिटिंग जो काफ़ी अच्छा हो चुका है। इस तरह से करने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फुल एचडी पे रख के सेव पे क्लिक कर देना तो वीडियो सेव हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जो बताना वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।